मिट्टी के गुलामों का है कि सिलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए, जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्ले आम होगा, जेल छोटे पड़ जाएंगे। मस्जिद में नमाजियों को मजहब के बजाय राजनीति का पाठ पढ़ा रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी नाम का यह मौलाना मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाकर सेक्युलरिज्म की धज्जियां तो उड़ा ही रहा है, साथ ही साथ यह भी धमकी दे रहा है कि अगर इसकी मर्जी की पार्टी चुनाव में नहीं जीती तो देश में कत्लेआम होगा, खून की नदियां बहेंगी। आगे इस मौलाना की बात ध्यान से सुनिए तो आपको इसके मन में भरे सांप्रदायिकता के जहर का पता चलेगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर की धरती भारत के लिए यह कह रहा है कि यह किसी के बाप का मुल्क नहीं है, यह निजामुद्दीन का मुल्क है, यह मोइनुद्दीन का मुल्क है, यह अब्दुल कादिर जिलानी के गुलामों का मुल्क है। ध्यान देने की बात यह है कि 140 करोड़ भारतीयों को यह जिस अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम घोषित कर रहा है, वो अब्दुल कादिर जिलानी लगभग 950 साल पहले ईरान के तब्रिस्तान में पैदा हुए और बगदाद में मरा था। कुछ करा सकता है, काहली सुस्ती मत कीजिएगा। वोट वो इलेक्शन के दिन में आप सब पहले से अपनी जमातें बना लीजिए, अपनी कमेटियां बना लीजिए, हर मोहल्ले के अतबार से और बूथ के जिम्मेदार होने के अतबार से एक एक वोटर मर्द और औरत को इज्जत के साथ ले जाकर वोट डलवाइए। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। बहुत ही अहम मसला है, मैं इससे ज़्यादा इस मौजू पर बात करने की ज़रूरत नहीं समझता, इतना इशारा काफ़ी है। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा, यह मत समझिएगा कहीं आप में कोई ऐसा बैठा हो कि आज हजरत ने मस्जिद में इलेक्शन का जिक्र कर दिया। आपको नहीं मालूम इस इलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए तो फिर क्या होगा आप समझ भी नहीं सकते। जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्ले आम होगा, जेल छोटे पड़ जाएंगे और अल्लाह जाने क्या क्या होगा। और इंशाल्लाह ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये मुल्क मुजद्दिल फिसानी का है, ये मुल्क शाह वलीउल्लाह का है, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। ये मुल्क ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का है, यह मुल्क हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का है, यह मुल्क अब्दुल कादिर जिलानी के गुलामों का है। इसलिए आप सब इस खबर को आम करें, औरतें भी वोट डालें। अभी तक जिन लोगों ने अपना वोटर आईडी नहीं बनवाया, अब भी अगर बन सकता हो तो जरूर उसको बनवाएं। ये बात मैं बहुत अहमियत के साथ कहना चाह रहा हूं। चुनाव के संवेदनशील वातावरण में मस्जिद में बैठकर ऐसी भड़काऊ सांप्रदायिक स्पीच देने वाले, मनमर्जी के चुनाव परिणाम न आने पर देश में कत्लेआम होने, खून की नदियां बहने की धमकी दे रहे इस मौलाना के खिलाफ सरकार को NSA और UAPA के तहत पकड़ के कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।